SCMR 162 जवाद अहमद मीर बनाम प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खान वाइस चांसलर सवाबी यूनिवर्सिटी। ये पिटीशन प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खान की बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ विमन सवाबी की तकर्रुरी को चैलेंज करती है। मुकदमे के हकायक। प्रोफेसर डॉक्टर खान जादी फातिमा खटक 3 साल की मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विमन सवाबी की वाइस चांसलर थीं। उनकी मुद्दत पूरी होने पर एकेडमिक सर्च कमेटी के जरिए नए वाइस चांसलर की तकर्रुरी का अमल जारी था। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी को बाकायदा वाइस चांसलर की तकर्रुरी तक यूनिवर्सिटी ऑफ विमन के उमूर संभालने के लिए मजाज कर दिया गया। चैलेंज के लिए बुनियादी वजूहात। जवाद अहमद मीर ने दलील दी कि खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज एक्ट 2012 में कोई ऐसी सूरत नहीं है जो मुतनाज़िया नोटिफिकेशन की तायद करती हो। उनका मौकिफ था कि मज़कूरा एक्ट के तहत बाकायदा वॉइस चांसलर की अदम मौजूदगी में प्रो वॉइस चांसलर को कायम मकाम वॉइस चांसलर के तौर पर तैनात किया जाना चाहिए। अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुशाहिदा किया कि प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खान की तकर्रुरी एक अबूरी इंतजाम था, यहाँ तक कि एक बाकायदा वॉइस चांसलर मुकर्रर कर दिया जाए। अदालत ने वजाहत की कि अबूरी तकर्रुरी स्टॉपगैप एक अबूरी अकदाम है जो जरूरत के तहत किया जाता है और ये तकर्रुरी लेने वाले को मुस्तकिल बुनियादों पर उदा संभालने का हक नहीं देती है। दलाइल। अदालत ने अपना फैसला मुंदरिजा जैल दलाइल पर मबनी दिया। KPU एक्ट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर को निगहबान लुक आफ्टर चार्जेस देने की सराहत इजाजत नहीं देता है। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खान की तकर्रुरी एक अबूरी इंतजाम था ताकि बाकायदा वॉइस चांसलर की तकर्रुरी तक यूनिवर्सिटी ऑफ विमन का बेहतर तरीके से चलना यकीनी बनाया जा सके। नतीजा। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के तनाजुर में अबूरी इंतजाम और बाकायदा तकर्रुरियों के दरमियान फर्क को उजागर करता है। अदालत ने मुनासिब इंतखाबी अमल के जरिए मुस्तकिल जानशीन मिलने तक ओहदे को पुर करने के लिए अबूरी तकर्रुरी की इजाज़त दी।